अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हाफ एडर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है और उसका सर्किट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो बिट के लिए देखेंगे। तो हाफ एडर के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो एक गेट है एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में हमें पता हो और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में पता हो। दो के हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसकी शक्ल एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये एक्सक्लूसिव आर फंक्शन है और वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस, फिर ए कॉम्प्लीमेंट की बजाय ए लिखा हुआ है और बी की बजाय बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ऐसी सूरत हाल को हम एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं। और एक्सक्लूसिव आर गेट को हम लिखते कैसे हैं राइटिंग में और तस्वीर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हम इसको एक्सक्लूसिव आर गेट को अगर हम, वैसे तो हमारे पास ये एक्सक्लूसिव आर गेट का सर्किट ये है ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें तो दो एंड गेट से बन सकता है। ये एक एंड गेट है हमारे पास, उसमें ए इनपुट है, उसकी एक कॉम्प्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, और साथ ही और गेट के साथ आपको इसको मिलाना पड़ेगा। वो किसके साथ? ए डायरेक्ट, यानी यहाँ से आप ए एंड गेट के साथ और यहाँ से बी नॉट गेट लेना पड़ेगा आपको, यहाँ से बी और ये नॉट गेट यहाँ से लेंगे। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी है और यहाँ ए बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको और गेट के साथ मिलाएंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्सक्लूसिव और गेट का आएगा। उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स आर वाई ए बी है तो ए एक्सक्लूसिव और गेट बी। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को कैसे लिखते हैं? ए आर बी और उसका नॉट लगाते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? नॉट गेट लेना पड़ेगा। ये शॉर्ट सर्किट, ये लॉजिक डिज़ाइन मौजूद है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ए बी ये इनपुट है आपके पास, तो यहाँ ए बी का एंड गेट, सॉरी ए बी एंड गेट, फिर यहाँ से नॉट गेट और यहाँ से नॉट गेट, यहाँ से भी और यहाँ से, ये डायरेक्ट है और ये नॉट गेट के साथ है, एंड गेट के साथ, और फिर यहाँ पे और गेट लगा देंगे। ये बन जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट और ये बन जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव आर गेट। शॉर्ट फॉर्म में आप ये सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ एडर के लिए, ये आगे यूज़ होने वाला है इसलिए हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली है। नेक्स्ट, ये देखें, ये मैंने पहले भी बना के दिया है, ये एक्सक्लूसिव आर गेट है और ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इस तरीके से ड्रॉ होता है। हमने ऑलरेडी कंपैरेटर पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, बीसीडी 7 सेगमेंट के हवाले से बात कर ली है, पैरिटी जनरेटर सर्किट भी हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम हाफ एडर के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल एडर के ऊपर बात करेंगे। हाफ एडर और फुल एडर में फ़र्क क्या है उसको समझ लेते हैं। ये देखें, ये एक हाफ एडर है। ये देखें, हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होती हैं, एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट बी है, और इधर हमारे पास जो आउटपुट आती है वो सम की आती है और एक जो आउटपुट होती है वो कैरी आउट की होती है, यानी दो बिट में कैरी आ रहा है या नहीं आ रहा कैरी। जबकि आपके पास जो फुल एडर है उसकी तीन इनपुट्स हैं, हाफ एडर की दो इनपुट्स हैं, फुल एडर की तीन इनपुट्स हैं, एक दो नंबर हैं, दो बिट ए बी, साथ ही जो पुरानी बिट का जवाब था उसके अंदर कैरी आया है या नहीं, तो वो कैरी इन के हवाले से कि हमारे पास कैरी इन है या नहीं है, अगर कैरी इन मौजूद है तो उसको भी ऐड करता है।
जबकि हाफ एडर आपके लिए लेट से कि आपके पास इस तरीके से जवाब है, इस तरीके से कैरी तो आता है यहाँ पे जीरो, ये कैरी, ये वाली कैरी आपकी एज ए इनपुट हाफ एडर में नहीं जाती, वह सिर्फ दो बिट तो ऐड कर देता है लेकिन कैरी बिट का हिसाब किताब नहीं रखता। हाँ कैरी आउट तो करता है लेकिन कैरी इन जमा की फॉर्म में, यू जमा की फॉर्म में नहीं रह सकता। ये फ़र्क है हमारे हाफ एडर और फुल एडर के हवाले से। ट्रुथ टेबल देखते हैं आपको वहाँ से सही समझ आ जाएगी। तो यहाँ कैरी आउट भी है, सम भी है, लेकिन साथ साथ ये जो कैरी आउट है कैरी इन भी में कन्वर्ट भी हो जाता है, तीन इनपुट्स हैं। ये ट्रुथ टेबल देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है हाफ एडर की, इसको हम समझते हैं। एक इनपुट बी, ए और बी दो इनपुट्स हैं और हाफ एडर में दो आउटपुट हैं, एक सम की है और एक कैरी आउट की है। सम में दो इनपुट में चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 0001 1011। सम कैसे होता है, 0 को 0 में जमा करेंगे तो 0 जवाब आएगा, ये आपको सम की बिट आउटपुट से ये आपको जवाब देगा। 01 को ऐड करेंगे तो क्या जवाब देगा, 1 आपको जवाब देगा। 10 को ऐड करेंगे तो क्या जवाब देगा, 1 देगा। ऐसा सर्किट हमने बनाना है क्योंकि 00 की फॉर्म में 0 दे और चेंज हो डिफरेंट बिट्स हैं तो 1 आना चाहिए, जैसे ये 10, ये 11 की जब ऐड करते हैं तो आपके पास 0 आता है और एक कैरी चला जाता है, सम में आपको ये 0 ही देगा। तो ये वाली जो खासियत है, वो एक्सक्लूसिव और गेट में होता है, तो सेम इनपुट होती है तो वो 0 देता है, जैसे ये 00 और 11 की फॉर्म में 0 देगा और डिफरेंट होगी तो 1 देगा। ये एक्सक्लूसिव और गेट, का मैंने आपको बताया पीछे थोड़ी देर पहले, तो उसका जो सिंबल है ये दो ये निशान डालने पड़ते हैं और ये एक्सक्लूसिव आर है, ये ए बी, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, 00 पर सेम, सेम है तो 0 आएगी और 11 है तो 0 आएगी, चेंज है तो आपके पास 1 आएगी। अब रह गए हमारे पास एक और चीज़ कैरी आउट, वो कैरी आउट कैसे बनता है, 00 में कैरी नहीं आता, 01 में भी कैरी नहीं आता, 10 में भी कैरी नहीं आता, 11 में कैरी आता है। इसको के मैप के थ्रू भी बना सकते हैं, 11 में कैरी आता तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एंड गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है एंड गेट, क्या करता है, सिर्फ 1 और 1 होगा तो आपको यहाँ पे 1 देगा, अदरवाइज ए और बी में आपको 0 देगा। तो एक एंड गेट और एक एक्सक्लूसिव और गेट मिला है तो आपका हाफ एडर बन जाता है। ये क्या है, हाफ एडर, एल एफ, हाफ एडर आपके पास ये डायग्राम बनती है। इसको ब्लॉक डायग्राम में अगर शो करना हो तो इधर दो इनपुट हैं ए और बी, इधर दो आउटपुट हैं, एक सम की, यहाँ पे सम लिखा हुआ होगा, और एक सी आउट कैरी की, यहाँ पे इनपुट ए बी, दो इनपुट दो आउटपुट। ये देखिए सम कैसे आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इस पर भी हमने कहा कि ये एक्सक्लूसिव आर गेट है, एक्सक्लूसिव आर गेट का ये सिंबल है, ये सम देगा, सी आउट की मैंने पहले भी तस्वीर बना दी थी आपको, ये कैरी आउट देगा हाफ एडर के अंदर। अब फुल एडर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।